ये दिवाली का त्यौहार है और इस जो है दिवाली के शुभ अवसर पर पुजारी जी के यहाँ मैं निमंत्रण में आया हुआ हूँ। भोजन भी किया हूँ, पहले भी करते रहे। ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं कि हिंदू जो है मुसलमान यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और हम लोग समाजवादी टाइप के लोग हैं कि समाज की सेवा भी करते हैं और समाज के साथ में रहते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। साधुओं का साथ भी हमारा जो है बहुत पुराना रहा, हमारे बाप दादाओं का रहा और हमेशा साधु संतों से हम लोग हमेशा मिल के रहे और एक दूसरे का आशीर्वाद दोनों को प्राप्त रहा। हम हमेशा पुजारी जी का आशीर्वाद लेते आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ये हमारी खानदानी परंपराएं हैं। आज जो है मैं पूरे देश के जो है लोगों को मैं जो है बधाई देना चाहता हूँ कि दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे देश को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे त्यौहार हमेशा आते रहेंगे और लोग एक दूसरे से मिलते रहें, मिठाइयाँ खाते रहें, भोजन करते रहें। जो भी सुख सुविधाएं लोगों के एक दूसरे में जो है मिलती जुलती हैं, ये हमेशा मिलती रहेंगी। यही हमारा जो है कहना है। हमें चाहते हैं, हम एक इंसानी तौर पर एक बयान भी देना चाहते हैं कि देखिए ये अयोध्या है, यहाँ साधु संत हैं, गृहस्थ भी हैं, सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, भोजन भी कर रहे हैं, दुनिया इसको देख रही है। इससे एक जो है सीख लोग सीखें कि अयोध्या में इंसानियत का जो मानवता है ये पूरे देश में बरकरार रहना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं। देश की जो है, जब नफरत नहीं होगी तो देश तरक्की जो है करेगा। पूरे दुनिया में हमारा देश हिंदुस्तान जो जाना जाए। देखिए हमको निमंत्रण हमने इनको दिया था कि आइए अन्नकूट के भोज अन्नकूट के भंडारे में आप सम्मिलित होइए और भोजन करिए, क्योंकि दीपावली के बाद जो अन्नकूट का पर्व है वो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। यह किस दृष्टि से मनाया गया ये भी है कि हमारे अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से भव्य दिव्य दीपावली का आयोजन किया, उसी प्रकार से उनके बाद लोगों ने ये सोचा कि भगवान राम 14 वर्ष तक वन में भटकते रहे और कंदमूल खाते रहे, इसलिए उनको विविध प्रकार के भोजन समर्पित करने के लिए यह अन्नकूट का पर्व मनाया गया दीपावली के दूसरे दिन। तो वही परंपरा आज भी चली आ रही है और वस्तुतः जब भोजन होता है तो भोजन के समय में भाईचारे का जो स्वरूप है वो प्रमुख रूप से दिखाई देता है कि हम लोग एक साथ बैठ करके भोजन किए, एक साथ बैठे, एक साथ सब कुछ किए। वैसे हम इकबाल जी को निमंत्रित किए, वो आए, हम इससे हम भी प्रसन्न हैं कि कम से कम हमारे बुलाने पर हमारे भंडारा में शामिल हुए, इसलिए हम इनको